नमस्कार दोस्तों, मैं वेदेही भाटिका मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैंने जो प्लांट्स लिए हैं उनके बारे में मैं बात करूँगी। और ये प्लांट्स मुझे बहुत ही सस्ते मिले हैं। कुछ प्लांट्स की कीमत 5 रुपये है, 10 है, 20, 30, 40 ऐसे करके ये प्लांट मुझे मिले हैं। तो मैं आपको पौधों के नाम के साथ ही उनकी कीमत भी बता देती हूँ। ये है मोगरा का प्लांट और ये मुझे 5 रुपये में मिला है। वैसे सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में ही रहता है। ये कोलियस है, ये बहुत ज़्यादा डस्ट, देखिए इस पर बहुत डस्ट हो रही है। कोलियस मुझे मिला है 30 रुपये का। इसके बाद है ये बोस्टन फर्न है। इसकी पत्तियाँ देखिए, थोड़ी छोटी छोटी पत्तियों वाला है। ऐसा ही मेरे पास एक और है, ये मुझे मिला है 20 रुपये में। कोलियस की एक और वेराइटी है, इस तरह की पत्तियाँ, ये लंबी लंबी सी पत्तियाँ हैं। प्लांट थोड़े मुरझाए हुए से लग रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियाँ हैं, ये भी मुझे 20 रुपये का मिला। इस प्लांट का तो नाम मुझे पता नहीं है, शायद ड्रेसिना हो, मैं इसका नाम पता करूँगी, पर ये मुझे 20 रुपये में मिला है। ये गुड़हल है, इसका कलर अभी कंफर्म नहीं है, पर ये भी मुझे 10 रुपये में मिला। ये पोथोस फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट, मनी प्लांट की तरह ही है। लग तो सिंगोनियम की जैसा रहा है, लेकिन ये पूरी एक बेल बनती है। इसका भी मुझे नाम पता नहीं है और ये भी मुझे थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा लग रहा है। मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ, लेकिन पौधों की हालत अजीब सी दिख रही है। ये भी मुझे 20 रुपये में मिला। ये ड्रेसिना है, देखिए इसके पत्ते कितने बड़े हैं। ये ड्रेसिना का भी प्लांट मुझे 20 रुपये में मिला, इतना बड़ा है इस तरह से। इसके बाद मैं लेकर आई हूँ ब्रह्म कमल। ये बहुत ही दुर्लभ पौधा होता है और हिमालय की पहाड़ियों पर मिलता है। देखा, ये एक प्रकार से कैक्टस की ही वेराइटी है। ये जो आप लीफ देख रहे हैं, इसकी प्रोपोगेट आप लीफ के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब ये लीफ के ऐसे ऐसे टुकड़े कर लगा दें मिट्टी में, तो नया पौधा तैयार हो जाता है। ब्रह्म कमल को शुभ भी माना जाता है। ये पौधा मुझे 40 रुपये में मिला है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, अब मैं इनको सभी को गमलों में लगा दूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।